वो लोग आके ना मेरे राज को नीचे डाल दे के दो बार जाड़ लेके मारे मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई अटैक कर दे बल्कि सबको हेल्प पूछी लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर इसे मैं खुद कोशिश करना था कि मैं खुद मेरे राज को बचाऊं कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना वो लोग आके ना मेरे राजू को नीचे डाल दे के दो बार जाड़ लेके मारे में ही मैं क्यों मार दे राजू को बल्कि मैं बोली क्यों मार बोल के बोलने के बाद मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई अटैक कर दे बोल के वो लोग मतलब मेरे भाई मेरे राजू को ओनली सर पे ही मारते गए मतलब सर में से बहुत ब्लेट गया हमें को बहुत शौक हुआ कि उतने में मैं जैसा धक्का दे रही थी कि मेरे राजू के लिए सबको हेल्प पूछी लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रही इसे और धक्का देते वक्त तो मुझे मेरे भाई का चेहरा दिखा जब भी मेरे भाई से रिक्वेस्ट करी जैसा फेस दिखते ही फेस नहीं दिखते नहीं दिखने से पहले मैं समझी कि कोई आवाज क्यू अटैक समझ में नहीं आया फिर दिखते ही वो बोलने के बाद भी वो नहीं सुने और जब मेरे राज का पूरा सर फूट गया और भेजा बाहर आने के बाद भी वो सोचे अभी जिंदा है शायद बोल के मारते ही गए मेरे राज के सर को हेलमेट था हेलमेट फूट गया और पूरा टोटल सर भी फूट गया सर। और मैंने सबको हेल्प पूछ के टाइम वेस्ट करा उतनी देर में ही, जैसा मैं सबको हेल्प पूछी उतनी देर में ही वो लोग मेरे राज का सर फोड़ दिए कि मैं वो हेल्प मतलब वो लोगों को हेल्प पूछ के टाइम वेस्ट करते बदल मैं मेरे मैं खुद कोशिश करना था कि मैं खुद मेरे राज को बचाऊं। कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना जिसका दर्द है जिसकी तकलीफ है सिर्फ वो इंसान की ही रहता कोई भी किसी का नहीं होते सर मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊं मैं जी नहीं सकती मेरा राज नहीं तो लेकिन मुझे रहना पड़ेगा मतलब वो लोगों को करना पड़ेगा लेकिन मुझे बर्दाश्त तो नहीं आ रहा सर सर ये समाज तो वेस्ट है सर मतलब उतनी भीड़ में सर एक इंसान को एक जान नहीं बचा सके बोले तो वो लोग इंसान ही नहीं सर जितने लोग वहां पे थे ना वो उन लोगों को किसी को दिली नहीं है वो लोग इंसान ही नहीं है इतने बुरे तरीके से मार रहे सर मेरे राज को लेकिन कोई भी हेल्प नहीं करे सर लेकिन मैं बहुत टाइम वेस्ट करी वो लोगों को हेल्प मांग के